साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका। अब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, अब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। अब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे, मेरा आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आनंद राखी। तो साथ आज का टॉपिक है, साथ नहीं छूट सकता ना हम लोगों का। मेरी जो फैमिली है मुझसे काफी जुड़ी हुई है। पता है कल मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, इसका रीजन बहुत है, वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं साथ की बात करती हूँ। साथ हमें हमेशा किसी न किसी का साथ, बचपन से जब हम पैदा होते हैं ना, माँ बाप का साथ, बड़े हुए भाई बहनों का साथ, फिर शादी हो जाती है, पति का पत्नी का साथ, बच्चों का साथ, बुढ़ापे में नाते को, तो साथ, साथ की जरूरत। कोई आदमी अकेला जी नहीं सकता, उसी के लिए कोई ना कोई साथ की हमेशा ही जरूरत पड़ती है। अकेले में पड़ोसियों का साथ, हर किसी का साथ, फ्रेंड का साथ, सबका साथ चाहिए। और मुझे भी पता है आप लोगों का सपोर्ट और साथ ही चाहिए। क्योंकि कल मैंने वीडियो अपलोड गुस्से में नहीं की थी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मैं क्या, मेरी सिस्टर्स और जो मेरे सारे भाई लोग हैं सभी मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, अपना थोड़ा टाइम बर्बाद भी। भाई हम लेडीजों को तो दिन भर कोई ना कोई काम बहुत होते हैं, और वो काम छोड़ छोड़ के हम मोबाइल लेके बैठते हैं ना, तो डांट भी पड़ती है और खुद को भी लगता है कि हम इसमें कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। या तो हमें उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले, मेरी वीडियो में व्यू भी कम हो गए हैं कमेंट्स ने शो नहीं करने के बाद, और मेरे भाई लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आए। एक ने लिखा दी हम साथ साथ हैं, उन भाई का नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं वो भाई, समझ गए होंगे क्या नाम है उनका। उन्होंने कल उनकी वीडियो पाया, आप चिंता मत किए हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छा लगा। और एक ने कहा है दी मैं, हम लोग आपका साथ छोड़ ही नहीं सकते, मुझे तो आपकी आदत सी हो गई है। तो इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन गुस्सा कब आती है पता है, हमेशा क्या होता है मेरे हमारे साथ क्या, लेकिन सच्चे लोगों के साथ। मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी मेरी जो YouTube फैमिली, मेरे सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया है, भले ही मैं उनकी वीडियो पे नहीं जा पाऊं, दो एक महीने दो महीने वीडियो पे नहीं, लेकिन मैंने आज तक कसम खा के कहती हूँ मैंने किसी का अनसब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार करने के बाद अगर किसी का अनसब्सक्राइब आज तक नहीं किया है चैनल, भले ही मैं उनकी वीडियो पे जाऊं या देखूं या ना देखूं, लोग होता है ना कि जे हमारी वीडियो पे नहीं आई तो हम इनका अनसब्सक्राइब कर दे, ये बहुत गलत बात है। ये थिंकिंग बहुत गलत है। ठीक है, हमें एक ये सोचिए, अगर कोई अनसब्सक्राइब करने से क्या मिल जाएगा, हमें एक सब्सक्राइब वक्त तो मिला ना। फ्रेंड कभी ना कभी तो हमारी विजिट करेगा ही ना हमारी वीडियो पे। और ये पता है, ये कॉमन सी बात है, हम मान लीजिए मेरे कांटेक्ट में 300 400 मेरे फ्रेंड्स यूट्यूबर्स हैं और भी लोग हैं, तो मैं हर किसी की वीडियो पे डेली विजिट नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सो प्लीज ऐसा माइंड में मत रखिएगा, जिसकी वीडियो विजिट करना है सच्चे दिल से कीजिएगा, चाहे भले ही वो आपकी वीडियो पे आए या ना आए। मैं आज भी मिसाल देती हूँ, मैं कल मैंने बहुत लोगों की पुरानी वीडियो उठा के विजिट की, बहुत टाइम से नहीं जा पाई थी, और वो मुझे बताइएगा मैंने किसकी भी विजिट की है कल बैठ करके। इतना टाइम हम बर्बाद करते हैं किस लिए, है ना, आप साथ के लिए और हमारी सपोर्ट बनी रहे एक दूसरे की, हमारी यूट्यूब फैमिली की, तो वो साथ नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। और कल मैंने इसीलिए हिम्मत हार दी, कभी कभी मन में होता है छोड़ो ये सब अपने, बस ये बस की नहीं है। मतलब कल मुझे बहुत दुख हुआ, तो मेरी सिस्टर है यूट्यूब से कल्पना जी, उन्होंने कहा नहीं दी आप छोड़िए मत, आप हिम्मत मत हारिए, ये तो चलता ही रहता है। तो थोड़ा मुझे आज वीडियो थोड़ी आपसे इसीलिए ये अपलोड की है, वैसे मुझे आज मन भी नहीं था सही बताऊं, क्योंकि मैंने हिम्मत हार दी। मैं इतना अपना हर चीज अच्छे से लाने की कोशिश करती हूँ, चेंज करने की, आदमी बोर ना हो मेरी वीडियो देख करके कि मैं वही झाड़ू पोछा बर्तन नहीं, या अपना रूटीन जो शेयर करती हूँ, मैं हमेशा हटकर ही कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ ना, जिससे कोई बोर ना हो। ठीक है ना,
तो मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी, और परसों वाले जो मैंने क्वेश्चन किया था ना उसका जवाब मेरी किचन भी जहारा जी ने दिया था, बिनीताज किचन ने दिया था, और अमर छोटू नाधर है, ब्यूटी विद किचन आर्ट एंड क्राफ्ट है, हेयर स्टाइल बाई क्यून है, इन्होंने राइट जवाब दिया था। मेरी मम्मी बत्तियां बना के देती है मुझे, टूट जाती है, ठीक है ना। तो आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखती हूँ, सो प्लीज अपने मन में ये मत लाइएगा कि मैं विजिट आपके चैनल पे, या कोई भी नहीं करता आपकी वीडियो, कोई डेली जा ही नहीं सकता, और खासतौर से डेली मिलूंगा। कोई भी वीडियो अपने यहाँ मान ली अपलोड करता है ना, मान लीजिए कोई रेसिपी की डाल रहा है कोई किसी चीज, तो वो मान ली 3-4 दिन बाद अपलोड कर रहा है, तो उसकी पे तो हम विजिट कर सकते हैं डेली, लेकिन डेली ब्लॉगिंग वाले पे हमारा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो प्लीज अनसब्सक्राइब प्लीज मत कीजिएगा, भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन अनसब्सक्राइब किसी का मत कीजिए चैनल, चाहे वो आपकी वीडियो पे कितने भी टाइम बाद जाए। और मुझे यही कहना है, आज का ब्लॉग मैं देखती हूँ कुछ बना पाई तो बना पाऊंगी, लेकिन मेरा मूड अभी भी खराब है, बस मुझे यही कहना था आप लोगों से, प्लीज अनसब्सक्राइब मत कीजिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का हो। मेरे डेली डेली मेरे कम से कम, मैं रात में देखती हूँ मेरे 10-15 बड़े हुए मिलते हैं, मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे सब्सक्राइब कम हो जाते हैं, सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों है ना? है तो हम ही लोगों में से कोई जो ऐसा करते हैं, और फिर रिटर्न ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। प्लीज भले ही कोई आपकी वीडियो विजिट करे ना करे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे ही संग दिक्कत नहीं, आप प्लीज उनका अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा चैनल, सब्सक्राइब करके छोड़ दिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक सब्सक्राइबर भी मिला हमारे लिए और नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज बदला मत कीजिएगा, मैं यही सबसे कहूंगी। और आज मैं शायद, मेरा बताइएगा खाना कैसा लगा, साथ छूटे, साथ तो वैसे भी हम लोगों का जल्दी छूटने वाला, कि आधा सी हो गई है ना हम लोगों को, तो प्लीज मैं आज की वीडियो बस इतनी ही अपलोड करूंगी, ज्यादा रूटीन आप दिखाने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मन भी नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, और प्लीज कल कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊंगी मैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, मैं इतनी लगी रहती हूँ वीडियो आप लोगों से संपर्क करने के लिए, लेकिन मैं सबकी वीडियो वॉच, मेरे व्यू काफी कम होते जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है आखिर, ठीक है। एक तो कमेंट्स ने मुझे पागल कर रखा है कि मैं किसी की वीडियो, हर किसी की वीडियो में वॉच करके रख लेती हूँ कि क्या हुआ है क्या, लेकिन रिटर्न नहीं कर पाती, कितना अफसोस होता है मुझे, क्या सभी को कितना अफसोस होता है, मैं उनकी वीडियो देख रही हूँ और उनको पता भी नहीं है ना, जो समझते हैं ना वो वास्तव में, उनके नाम बताऊंगी मैं किसी ने, जो मेरी लिस्ट में जो मेरे मुझे समझते हैं, मुझे क्या, जब मुझे समझते हैं तो बाकी और यूट्यूबर को भी समझते होंगे वो लोग, ठीक है ना। तो प्लीज समझिए, और आप लोग वैसे भी बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं मेरे लिए, ठीक है ना, इतनी प्यारी प्यारी मेरी फ्रेंड है यूट्यूब पे, ठीक है, और जो नई जुड़ी है वो भी बहुत प्यारी है मेरे लिए, मेरे लिए नए पुराने और जो मेरे संपर्क में आते चले गए हैं ना, सभी मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्पेशल है, कोई मेरे लिए एक स्पेशल नहीं है, मेरे लिए मेरे सब स्पेशल है, नए और पुराने मेरे लिए सब स्पेशल है। तो शुक्रिया आप लोगों का साथ देने का, ठीक है, आज का मैं वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और कल लाऊंगी ब्लॉग, मेरा मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, बाय बाय। और हाँ, मेरी एक खासियत है, आपने कभी भी सुना होगा, मैं कभी आपसे ये नहीं कहती मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें, बहुत कम मैं इस तरीके से कहती हूँ मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें, जिसको समझ होगी ना वो खुद ही करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, कहने की किसी को जरूरत नहीं होगी ये बात, ठीक है ना। और जिस कह भी देंगे हम, ना करने वाला करेगा भी नहीं, बताइए है ना। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज को, और बाय बाय।